हमारे पास एक फाइनेंशियल मार्केट्स का भी एक डिटेल डिस्कशन स्टेक होल्डर से हुआ था, काफी उसमें एनमी के, डीपीएआई के, सीपीएआई के और भी आईबीए के लोग भी थे और कई फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लोग थे। उन लोगों ने जनरली कहा दो इश्यूज में, सभी लोग कह रहे थे कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं ओवर द टाइम पीरियड कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स काफी बढ़ गए हैं भारत में, इसलिए बहुत सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो हांगकांग, सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में जा रहा है। तो कहीं सरकार को कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को देखना चाहिए, उसमें स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, एनएससी के चार्जेस हैं, फीस है और भी कई तरह की चीज़ें, डीपी चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होती हैं। तो जो एसटीटी है उसको कहीं ना कहीं सरकार को अगर देखना है, तो कैपिटल गेन जब सरकार ने हटाया था और उसको हटाने के वक्त ये कहा था कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेके आए हैं और अब कैपिटल गेन्स टैक्स भी आ गया, तो उसके ऊपर सरकार जनरली लोगों को रिजर्वेशन थी। दूसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में ये है कि जनरल वो है कि उसको डबल क्या मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब की तरह मानते हैं, अब 10 लाख से ऊपर तो रेसिपिएंट के हाथ में भी फिर से टैक्सेबल हो जाता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है जिस पे वो टैक्स पे कर चुकी है, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाए, उसके बाद 10 लाख से ऊपर अगर डिविडेंड होता है तो रिसिपिएंट के ऊपर भी वो टैक्स लगता है। तो बेसिकली डबल टैक्सेशन वाला इशू लेके आए थे। तो यह बात मुझे लगता है कि ये सरकार किस तरह से इसको देखती है। और जो दूसरी बात है कि जो कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट और उसके लिए बात है, वो सेबी का ज्यादा बड़ा इसमें रोल है और सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट के ऐसा कोई बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया की तरह काम करने वाला कोई मैंडेट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं है, लेकिन बॉन्ड मार्केट के लिए जरूर यह बात सामने आई है कि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट्स नहीं है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के, सेकेंडरी मार्केट बहुत इलिक्विड है, वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है। तो जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी ओवर डिपेंडेंस हो गई है बैंक फाइनेंस पे, तो वह उसको रिड्यूस करने के लिए बॉन्ड मार्केट प्राइमरी एंड सेकेंडरी को डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अदर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें, उनको कैसे रेगुलेट करें, इसके ऊपर सरकार को बड़ा फोकस्ड लेके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस बारे में तो सरकार, हम तो वित्त मंत्री के ऊपर उनको मैच करना है अपने मैथ्स की, अकाउंटिंग मैचिंग तो वित्त मंत्री करेंगे, लेकिन जहां तक अगर आप देखिए तो कोई कैपिटल गेन टैक्स में कोई बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के पास ऐसा आया नहीं है कि जिसको देख के वो सोचे कि वो उसको छोड़ देना एक तरीके से, एक एग्जम्पशन बड़ा लॉस होगा रेवेन्यू का। वैसे भी वो 1 लाख तक का और इस तरह के कई एग्जम्पशन सीप इन हो गए हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज ही क्रिएट कर रहे हैं।